हाय एवरीवन, फिर से एक नई बार आप सभी का स्वागत है। गाइस मैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग शूट करता नहीं वैसे आप लोग के लिए, लेकिन गाइस हम लोग का ये ब्लॉग जो मैंने शूट किया बकरीद का दिन, हम लोग का जो बकरीद था, पर अब जो हम लोग का था उसमें वीडियो थोड़ा सा क्लिक शूट किया हूँ। आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा हम लोग का बकरीद में क्या क्या होता है, आप लोग को पता चलेगा ईदगाह हम लोग का कैसा होता है। इस पूरा ब्लॉग में वही सब बात करेंगे। अभी जो हम लोग का सामने जा रहा है ना, सब मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त वगैरह है, हम लोग सब एक साथ जा रहे हैं, तो वो लोग आगे जा रहा है, मैं पीछे से वीडियो शूट क्लिप थोड़ा शूट किया हूँ। और बाकी फ्रेंड्स भी मैं को बोल रहा है कि हम लोग का थोड़ा भी क्लिप शूट कर लो, क्या वीडियो शूट कर रहा है, मतलब वीडियो शूट करने में सब मतलब ना ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, बोलते क्या वीडियो शूट कर रहा है, ऐसे जो ब्लॉग बना तो वो लोग को पता होगा किस तरह होता है। अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं नमाज के लिए। अभी हम लोग का 7 बजे नमाज है, हम लोग सुबह ही निकले हैं, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग मौसम देखकर समझ सकते हैं। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और अब बता दो भाई, इस वीडियो को पर्व के दिन शूट किया, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आप लोग को वीडियो दूं, ऐसे कि मेरे चैनल से कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं घर में हूँ इसलिए मैं वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोग अभी आ चुके हैं फाइनली, हम लोग का जो ईदगाह होता है अपना आ चुका, आप लोग मेन गेट देख सकते हैं, हम लोग का मेन गेट है, हम लोग का बहुत बड़ा ईदगाह है, हम लोग का है कहाँ का ईदगाह बता दो भाई, झारखंड साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट बरहुआ का ईदगाह है, बिशनपुर का। अब पूरा मेन गेट देख सकते हैं, बिशनपुर केंदुआ का ईदगाह है, और आप लोग पूरा मेन गेट देख सकते हैं, पूरा आदमी जा रहा है, पूरा भरा हुआ आदमी अंदर, इतना आदमी कि मतलब यहाँ मतलब लाखों में लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा लोग आदमी आते, पूरा आदमी आते हैं, पूरा बड़ा ईदगाह है ना, पूरा आदमी आते हैं। तो आप लोग को फाइनल अंदर जाकर दिखाता हूँ किस तरह आदमी इधर इतना अंदर है, मतलब ये हम लोग का बहुत बड़ा जमात होता है, इसलिए मतलब आदमी है कुछ ज़्यादा ही आता है। हम लोग का पूरा मतलब 3-4 मतलब मोहल्ला मिलकर ना एक जमात होता है हम लोग का, ये जो हम लोग का ईदगाह यहाँ पर है बहुत ही बड़ा है। तो अभी चल अंदर जाते हैं, हम लोग का मेन गेट यहाँ से हम अंदर जाएंगे, अब फिर हम लोग नमाज के लिए 7 बजे नमाज है, आगे ही पहुँचना चाहिए, 7 बजे हम लोग का नमाज शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं पूरा सब पेड़ वगैरह हम लोग लगाए अंदर, कहीं हम लोग आम का पूरा पेड़ लगा हुआ है, आम का मतलब पूरा आम का पेड़ जितना आम का पेड़ है, और बाकी भी उधर भी पेड़ है बहुत सारा कुछ, यहाँ बाइक सब रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, आज भी आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ज़्यादा आदमी है, कितना तादाद ज़्यादा आदमी का, बहुत ही ज़्यादा मतलब आदमी आ चुका है। तो हम लोग लास्ट में आए थे इसलिए आदमी ज़्यादा है, अगर फर्स्ट मतलब पहले आते थोड़ा वीडियो शूट करने का टाइम मिलता। हम लोग आ चुका देख सकते हैं, तो मेरा दोस्त इधर हाई कर रहा है, तो अभी हम लोग क्या करें, हम लोग को जो जूता होता है उसको खोलेंगे, इसके बाद पैदल मतलब खाली पैर में जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जूता पहन के नमाज नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का पूरा थोड़ा सा क्लिप शूट किया हूँ, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का आदमी कितना आ चुका, आदमी पूरा अगचागच आदमी से पूरा भर चुका, मेरा सारा मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मतलब आप लोग जितना देख रहे हैं ना सब मेरा दोस्त है, फ्रेंड सारा हम लोग का है। मैं शेरवानी पहना हुआ ताकि मेरा शेरवानी लिया हुआ था दोस्तों, मैं शेरवानी पहन लिया था, मैं हम लोग का जूता खोल देख सकते, मैं सिर्फ मुंजा पहन के जा रहा हूँ, मेरा मुंजा देख सकते, सिर्फ मैं मुंजा पहन के जा रहा हूँ, मैं जूता मैंने खोल दिया, ताकि नमाज के लिए जूता पहनना मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं पहनना चाहिए जूता, लेकिन नमाज पहन के भी जूता पहन के भी नमाज हो जाएगा, लेकिन हम लोग पहनते नहीं है। चलिए नमाज के लिए जाते हैं हम लोग, यहाँ पूरा देख सकते हैं चटाई बिछा हुआ है पूरा, गाय कतार से हम लोग लाइन से लाएंगे, हम अंदर जगह खड़ा होंगे, कहे कि मतलब आने वाले जो पीछे वाला आदमी उसको दिक्कत ना हो। हम लोग अंदर जा रहे, पूरा आदमी भी पहले 10 से 12 कतार हो चुका है, उधर 10-12 कतार उधर है, इस 10-12 लाइन हो चुका है, इसके लाइन पीछे लाएंगे, कितना लंबा लाइन आप लोग, मैं थोड़ा कैमरा दिखाता हूँ, पूरा वैसे लंबा लाइन लगता है, कितना मतलब मत बोलिए पूरा लंबा लाइन लगता है, तो आप लोग को दिखा दूँ, देखिए पूरा लंबा लाइन है। और इधर हम लोग सबसे पहले बैठेंगे, आके बैठ के फिर मतलब हम लोग को सबसे पहले जगह देकर बैठना पड़ता है, खड़ा होकर नहीं होता, बैठना पड़ता है, पूरा लंबा दिख रहा है ना उधर से पूरा लाइन लगता है, पीछे मतलब पूरा आदमी भरता है दोस्तों, यहाँ पर पूरा आदमी भर के मतलब हम लोग नमाज अदा करते एक साथ पूरा जमात के साथ। तो हम लोग का ये सिस्टम, मेरा दोस्त बैठ चुका देख सकते हो, लोग बैठ चुका, मैं खड़ा हूँ, वो देख रहा है काफ़ी सारे लोग, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस अलग से इस वीडियो पर, कहे कि मैं उसमें संग संग वॉइस नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हम लोग का और अलग से एक माइक चलता है, अनाउंसमेंट होता है कि नमाज का टाइम किया और कुछ बातें भी होता है, इसलिए मैं आवाज़ नहीं दे पाया था, वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए आवाज़ नहीं दे पाया था। तो 10 दिन बाद वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मतलब 8 दिन बाद, कहा कि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का, शूट तो ऐसे हालांकि बहुत सारा वीडियो शूट किया हुआ है बाइक से रिलेटेड, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता और टाइम ही नहीं मिलता। अभी हम लोग बैठ चुके हैं देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्लिप शूट किया, बैठ चुके और कमेंट बताएगा मैं शेरवानी पहन के मैं कैसा लगता हूँ, तो मतलब ऐसे में और एक मैं ब्लॉग में मतलब बना हुआ है, उसमें भी शेरवानी पहन के वीडियो बनाया था, मैंने शेरवानी पहना अच्छा है, मतलब ले लेते हैं कि पहनने के लिए सही पर्व वर्व में। तो देख सकते हैं पूरा अभी आदमी पूरा बैठ चुका है, अभी देख सकते हैं पूरा आदमी हम लोग का बैठ चुका है, तो हम लोग चंदा भी होता है, कहीं हम लोग को ईदगाह जो साफ़ सफाई के लिए थोड़ा चंदा होता है, वो हर पर्व में किया जाता है, वो के साफ़ सफाई के लिए जो पैसा खर्च होता है ना हम लोग को पर्व में उठाया जाता है, कि मतलब जो उसका देखभाल का पेड़ वगैरह लगता है उसका काम के उसका पैसा उठाया जाता है, हमारा पैसा उठा रहा था वहाँ पर देख सकते हैं पैसा उठा रहा है लोग। तो अभी जो आदमी पूरा आप देख सकते हैं आदमी का तादाद कैसा है, पूरा मतलब
आप लोग लाइन देख सकते हैं, कितना लंबा लाइन है, आप लोग खुद देखिए इतना दूर तक जो अपना मेन गेट दिख रहा है ना, वहाँ से दो गेट है, मतलब एक निकलने का, हम लोग का क्या होता है कि एक गेट से घुसने का, एक गेट से निकलने का है। हम लोग का ही हम लोग का नियम है कि अगर रास्ता चेंज करके जाना होता है तो हम लोग एक गेट से अगर हम लोग घुसे अंदर, हम लोग दूसरा गेट से निकल के हम लोग जाएंगे बाहर, इसलिए दो गेट हम लोग का दिया जाता है। तो हम उस गेट से घुसे, हम लोग उस गेट से हम लोग और जो गेट दिख रहा है आप लोग को दिखा दो, यहाँ देखिए वो गेट से हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग का फाइनली नमाज का टाइम हो चुका है, हम लोग खड़ा होते हैं नमाज के लिए। तो चलिए फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पूरा आदमी खड़ा हो रहा नमाज के लिए, आप आदमी आप लोग देख सकते हैं कितना तादाद में आदमी है पूरा गाइस, मतलब पीछे तक मैं देखूँ ना आप लोग, मैं दिखा नहीं सकता, पूरा वो टंकी दिख रहा है पानी का, वहाँ तक कतार है आदमी का पूरा। इधर भी देख सकते हैं कितना आदमी है, मतलब इतना आदमी ना मत बोले, पूरा आदमी होता है हम लोग यहाँ पर। तो चलिए फटाफट नमाज अदा करते हैं, फिर आप लोग को थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ और आप लोग फिर बताता हूँ। चलिए फटाफट नमाज पढ़ते हैं हम लोग, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग का नमाज का टाइम हो चुका था, नमाज मैंने पढ़ लिया, अभी सारा लोग जाने लगे बाहर। तो हम लोग सलाम करेंगे सबको, हम लोग का नियम होता है कि नमाज पढ़ने के बाद सबसे गला मिलना चाहिए और सलाम करना चाहिए। जो बड़े भाई होते हैं, पिताजी होते हैं, चाचा होता है ना, उन सभी को सलाम करना चाहिए और मतलब हाथ मिलाना चाहिए। हम लोग का नियम है कि नमाज के बाद सलाम होना ही चाहिए। तो वही था गाइस आज का मेरा ब्लॉग्स वीडियो, कैसा लगा कौन बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।